पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय कैलाश जी मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुभाष जी मेरिया, आपके यहाँ के पूर्व सांसद कहने को तो दिल नहीं करता, इतना छोटा सा वर्तमान शासन सांसद ही रखो। आदरणीय निहाल जी, इस संवाद के माफ करें, आपके यहाँ के प्रभारी आदरणीय साहूलाल जी जात, पूर्व सिंचाई मंत्री, और इस पूरे संवाद के प्रभारी आदरणीय कालचंद जी भाई साहब, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनने वाले आदरणीय ज्ञान सिंह जी चौधरी, पूर्व विधायक और हम सब में मंच पर विराजमान सबसे बुजुर्ग आदरणीय बहादुर सिंह जी गोदारा, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश जी, बहन उर्मिला जी और बाबरा तहसील के पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, पवित्र माताएं, बहनों भाइयों, बात ये नहीं है, कुछ थोड़ा सा आपको इस अकल पर हथौड़ा मार के समझना पड़ेगा। 5 वर्ष से राज्य को, राष्ट्र को जिस ढंग से कांग्रेस ने लूट के खाया, वो आप और मेरे से छुटा हुआ नहीं है। इनके कितने नेता जेल में गए हैं वो गवाही दे रहे। मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा, जो भाई बाहर घूम रहे हैं, एक तो वो, एक जो भाई लाइन लगा के खड़े हैं, ये कृपा करके बैठ जाएंगे तो पीछे वाले बैठना शुरू कर देंगे। एक हाँ, आप खड़े रहोगे तो आपके पीछे बैठ नहीं सकते, उनको दिखेगा नहीं। दूसरा, जितने भाई दीवार पर बैठे हैं, भाई भाद्रे में हमने नई कुछ ये कार नहीं देखी, वो 2 किलोमीटर तक दीवार पर है, वो अगर यहाँ पांडाल में आ जाएंगे, माननीय वसुंधरा जी आपके बीच आने ही वाली है, इतनी दूर से न आप सुन पाओगे न देख पाओगे। मेरा उनसे तय दिल से प्रार्थना प्रार्थना है कि वो कृपा करके पांडाल में आए। बहनों भाइयों, 5-7 वर्ष से कांग्रेस ने जिस ढंग से राष्ट्र को लूटा है, हाहाकार पूरे देश में मची, कई मंत्री जेल गए, बहुत से दुष्कर्मों में गए, आज उन्हें पता चल गया कि समस्त भारत से हमारा सफाया होने जा रहा है। और ये बात मैं नहीं, समस्त भारत के जो चुनावों के रिजल्ट वो गवाही दे रहे हैं। बिहार में से कांग्रेस का सफाया हो गया, उत्तर प्रदेश में से सफाया हो गया, पंजाब उत्तरांचल में से सफाया हो गया, मध्य प्रदेश गुजरात में से सफाया हो गया, हरियाणा और राजस्थान के अंदर मुर्दा वेंटिलेटर पर है, वोट पड़ते ही शमशान घाट जाएगा, घर नहीं आएगा ये मुर्दा। और बहन भाइयों, जब इनको पता चला कि साहब हमारे यहां हाथ से सरकार जाने ही वाली है, तो गौरत ने खेल शुरू कर दिया, 100 रुपये किलो का अनाज, 1 रुपये किलो पेंशन करूंगा। उसे पता चल गया कि भारत में एकदम गरीबी आ गई, भारत में एकदम भूखमरी आ गई, कल बीजेपी का हमारा राज आएगा, हम उस अनाज को 1 रुपये से घटा के 0 पर कर देंगे, फिर कांग्रेस वाले कहेंगे 1 रुपये हम 7 में देंगे, फिर बीजेपी कहेगी हम 5 रुपये देंगे। ये हमारा और कांग्रेस के बाप का खजाना है क्या? ये जनता का खजाना है जो राज्य कोष में है, हम इसे कम करते करते और पूरे भारत को एक दिन बीपीएल में खड़ा कर देगा ये कांग्रेस शासन। बहनों भाइयों, विषय ये नहीं है कि अनाज 1 रुपये किलो होया, पेंशन हुई, विषय ये है कि 66 वर्ष की आजादी में, आजादी मिलने के उपरांत प्रत्येक आदमी को मुख्य धारा में नहीं ला सके, ये इनका 57 वर्ष राज भारत में रहा है। उसको कहते हैं कि इंसान केवल एक वोट डालने का पुतला बना रहे, केवल अनाज के सारे हमें वोट देता रहे। आप गांव से आने वाले हो, आपको पता है चूहा को पकड़ने के लिए आप एक पिंजरा रखते हो और उस पिंजरे में एक सूखी रोटी लगाते हो अंदर, ताकि चूहा रोटी खाने घुसे और फंस जाए। इनकी पेंशन, इनका गेहूं, वो भारत राजस्थान की जनता को चूहा समझता है। गेहूं के इस पिंजरे में आ जाए और मैं दम कर लूं और फिर 5 वर्ष तक फिर इनका इलाज करूं। मच्छी पकड़ने वाला एक कांटा लगाता है, कांटे के ऊपर आटा लगा देता है और पानी में डाल देता है, मच्छी समझती है कि ये आटा है, आटे में लपका मारते ही कांटा फंस जाता है, गड़े में बाहर निकाल लेता है। मेरे बहन भाइयों, ये कांटे में फंसना नहीं है, ध्यान रख लेना। अभी यही पर कह रहा था मेरा भाई फेरी साहब के यहाँ बलात्कार हो गया, पुलिस वाले ने पैसे खाए, चिल्लाते हो पटवारी पैसे खाते हैं, तहसीलदार पैसे खाते हैं, खाएंगे इन जयपुर दिल्ली में, इनके बाप पैसे खा रहे हैं तो ये क्यों नहीं खाएंगे?
इनको क्या मालूम है मारना है तो मैं समाप्त कर दो। पूरे राष्ट्र के अंदर तो इनके बाप पड़े बैठे हैं, इस राष्ट्र के राज्य को लूट के दिल्ली भेजता है गहलोत सोनिया जी के पास और वो पैसा लूट के यूरोप भेजती है। अरे नहीं बात सुनो, ये बहनें बैठी हैं, हमारी भी बहन बेटी जाई जाती है, एक साल में छह महीने में बहन बेटी पीएर जाती है कि नहीं? इस सोनिया से पूछो 25 वर्ष में पीएर कितनी बार गई, एक बार गई हो तो इसके बाप दादा से पूछ लो इसका पीएर है कहां। भारत मिल गया, दामाद का घर मिल गया, लूट लूट के पूरा भर दिया वहां पर। अरे कितना बड़ा जुल्म भारतीयों के साथ किया है। कहा गया अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों से अमरीकी विद्यार्थी समझ जाओ नहीं समस्त अमरीका पर भारतीय कब्जा कर लेंगे। उसके 10-20 दिन बाद सोनिया के छाती में दर्द होता है और भारत में घोषणा करती है कि मेरे इलाज के लिए अमरीका जाऊंगी। अमरीका गई, एक बार कागज दिखा दे किस क्लिनिक में भर्ती हुई, किस डॉक्टर से मिली, क्या चेकअप करवाया हम मान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली और भारत में आते ही कहा कि 8वीं तक विद्यार्थी फेल नहीं किए जाएंगे। वादा करके आई वहां कि मैं भारत की शिक्षा की बैकग्राउंड तोड़ दूंगी और भारत को इतना कमजोर कर दूंगी कि वहां को पढ़ाई लिखाई के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। आपके पड़ोस के कृष्णा पूनिया गोल्ड मेडल लेके आई थी एशिया से तो सभी ने उसकी पीठ थपथपाई थी। जब ये यूरोप में जाती है तो सारे यूरोप के कंट्री इसकी पीठ थपथपाते हैं कि शाबाश बेटी, भारत का अकेली नहीं नाश कर दिया, हमने तो 10-20 हजार बंदूक लेके भेजे थे और वो लड़के मर गए, भारतीयों ने छोटे नहीं भगा दिए। पर शेर की बच्ची तू कमाल की है, अकेली नहीं 125 करोड़ भारतीयों की नाक में लकेल डाली, जाग जाओ। कुम्हार के मटका खरीदने जाते हो तुम तुम बजा के देखते हो तुम्हारी जेब से 15-20 रुपए लगेंगे, दादरा खरीदते हो तो खोल के देखते हो बढ़िया की दुकान में फटा हुआ तो नहीं है, थोक बजा के देखते हो। भारत का राष्ट्र का राज देते हो उन नेताओं को भी थोक बजा के देख लो, कोई जल्लाद तो नहीं है, कोई डाकू तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं जा रहा है, उन्हें भी थोक बजा के देखना चाहिए। ये माता बहने यहाँ पर बैठी है, इन्हें कहना पड़ना होगा कि 2-2 किलो सोना का और भेज दो चंदन घाटी में, एक भी लूट जाए तो मैं वचन देता हूँ मेरी गारंटी है एक भी नहीं लूटेगी, और इन्हें भेजो दिल्ली में, इज्जत और गैरत दोनों बच जाए तो मेरी गारंटी है। ये हाल तो देश की राजधानी का जल्लादों ने कर दिया, पूरा देश में हाहाकार मच गया, इज्जत है और बेशर्मी की सब सीमाएं पार कर दी और नतमस्तक हुए 125 करोड़ भारतीय बैठे। अरे इस जुल्म के खिलाफ अगर नहीं खड़े होगे, खुला मर जाओगे और मरोगे। ऊपर तुम्हें सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, उस्ताद अल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार पटेल मिलेंगे, वो कहेंगे धिक्कार है तुम्हारे धर्म को, हम अपने प्राण देकर भारत को आजाद करवा के आए थे और न पुछलेंगे तुम भारत को आजाद आजादी को बरकरार नहीं रख सके, आजादी सिर्फ शासन कर रही है तेरे भारत की, और विदेश की एक महिला हमारे प्रधानमंत्री की नाक में नकेल डाल के और एक रिमोट से चलने वाली गुड़िया बना रखी है। प्रधानमंत्री को हिंदी आती है बोलता नहीं, सोनिया गांधी को हिंदी आती नहीं आती वो बोलती है, लिख देते हैं राजनीतिक पंडित कागज पर पहले दिन, कल सोनिया वहां जाएगी, भादरा में क्या क्या तकलीफें हैं लिख दो, दो राधे की उन तकलीफों को लिख दिया। 22 जून 2011 को सोनिया ने बिहार जाना था और सोनिया का पत्र लिखा और पत्र के आखिर में लिखा कि मैं आप सब बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, आप इतनी कड़कती हुई धूप में आए हो। बहनों भाइयों, वो लेटर पैक कर दिया गया, उस लेटर को लेकर सोनिया जी घाट में बैठ गई, रंग लेने उठ गई। मालिक को कुछ और ही पसंद था, मालिक को ये पसंद था कि सुबह 11 बजे जम के बारिश हुई और लड़े गिरे, इतनी ठंड हुई थी कि सभी किसान मजदूर के दरवाजे बैठे थे और सोनिया ने भाषण देकर जो वो पत्थर पड़ा, ये बहनों भाइयों में तय दिल से स्वागत करती हूँ, आप इतनी कड़कती हुई धूप में आए हो, वो तेरे देश का भला करेगी, जिसे ये नहीं पता कि ये धूप है या छांव है या सर्दी है, वो भला करेगी। चलो दस किसान बाजरा उड़द मूंग वार तेल जो कुछ सरसों कुछ लेकर चलो और पूछो ये कौन कौन से अनाज में अलग अलग नाम बता दे दो उसको, देश का आप किसानों का भला करेगी। उसे ये पूछ लो पेड़ के ऊपर लगते हैं या पेड़ के नीचे लगते हैं, बता दे तो दे दो उसको राज, वो क्या जा रहे हैं। उसे पता चल गया कि मैं समझदार नहीं भारतीय मूर्ख हूं और हो आपकी अटल सरपंच से ऊपर नहीं गई है, सरपंच आपका भाई बने, आपका चाचा बने, आपका ताऊ बने, आपका पिता बने और राज्य का राष्ट्र का रास्ता है कोई लेके बैठा हो आपसे, क्या यही करने के लिए आजादी नहीं थी। जादव आज राजस्थान के अंदर 9,000 सरपंच
सवा 9,000 पंचायत आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो सरपंच और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तीन ही पद भारत में है। पंचायत का मुखिया सरपंच है, राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री है और राष्ट्र का मुखिया प्रधानमंत्री है। अशोक गहलोत ने बढ़ते ही 9,000 सरपंचों को जयपुर बुलाया और इस पर तो सर्कल पर पुलिस से जो जूत मरवाए पहला सम्मान कराया इस यात्रा के। ये यात्रा निकल रहा है गहलोत संदेश यात्रा, उसमें बताएगा मैंने सरपंचों का इलाज करा था। 1,00,000 नौजवान प्रत्येक वर्ष भर्ती करने का झांसा देके अशोक गहलोत ने सरकार ली थी। आज ये पेंशन भी दे दूंगा, गाजर भी दे दूंगा, मूड़ी भी दे दूंगा, कट्टी भी दे दूंगा, बनियान भी दे दूंगा, बहन बेटियों को दो दो साड़ी भी दे दूंगा। मैं विधानसभा में खड़ा होते कहा गहलोत साहब एक भी बहन बेटी को साड़ी दे ही नहीं है, उतारी कितनियों की है मैं बताता हूं उनकी लिस्ट गिन। अभी एक मनोसंघी कांग्रेस का प्रवक्ता एक महिला वकील को सुप्रीम कोर्ट की जज बनाने के चक्कर में कपड़े उतरवाए, फिल्म बनवाई। हरियाणा का गृह मंत्री कांग्रेस का एक बहन बेटी से बलात्कार और हत्या करके जेल में पड़ा हुआ है। 152 भवरी के यार यहाँ पर 152 सीढ़ियां हैं, दो मंत्री जेल भेजने से कोई सफाया नहीं होता। 152 सीढ़ियों में से 2 की दिखा दी और 150 को जम के लूट रहा है। अगर वो 150 सीढ़ियां 152 सीढ़ियां आउट होती है तो इन पुलिस वालों का भी जमीर दाग जाएगा और गहलोत सरकार का एक भी अधिकारी मंत्री नंगा हुए बगैर नहीं बचेगा, मेरी गारंटी है। ये सुसज्जित करे अरे दुर्गति करती आप समझ नहीं पा रहे हो। ये हाल कर दिया पूरे राष्ट्र का, रो रहा है पूरा राष्ट्र। देखिए भाई डीजल खराब पेट्रोल बढ़ा दिए, लूट के आपके सब कर दिए। एक सीबीआई इनके पास है, अगर कोई राजनेता कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनकी बात नहीं मानता है अगले ही दिन आए से ज्यादा इनकम का वो करके केस दर्ज कर लेंगे। ये हमारा ताज कॉरिडोर घोटाला के अंदर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी पर मुकदमा दर्ज किया, सीबीआई की जांच हुई, रजिस्ट्री फर्जी पाई गई, केस बन गया, चुनाव आया, चुनाव आते ही उसके एमपी ज्यादा जीत गए और उन्होंने यहाँ समर्थन लेना था दिल्ली में, केस वापिस ले लिया। क्यों? क्योंकि समर्थन चाहिए था। आज हमारे कटारिया जी का समर्थन कौन लेगा वापिस, कौन मुकदमा वापिस ले, राजेंद्र राठौर का कौन ले, ये कितने आदमी और पकड़ के जेल में डाल रखे इनका कौन ले। मैं आपको वचन देता हूं कि भारत के अंदर कांग्रेस के पास केवल सीबीआई बचे और कुछ भी चीज नहीं बचे। इस सीबीआई को देखेंगे इस रात को पलटी करके कि सीबीआई में दम है कि भारत की जनता के अंदर दम है। एक सीबीआई इनके पास है, इन्होंने दम के इस राष्ट्र को लूटा है और ये विदेशियों की दलाल है सोनिया गांधी। ये पूरे टेलीविजन में सुनाया करो उसको खबर। हमारे परदादा मरे थे जलियांवाला बाग में, सोनिया गांधी के नहीं मरे थे। हमारे मरे थे काकोरी खजाना लूट में, भारतीयों ने अपने बहनों ने सुहाग दिया था, सुहाग का बलिदान दिया था, पिताओं ने पुत्र दिए थे, भाइयों ने अपने भाई नौछावर कर दिए थे। तदुपरांत भारत को आजादी मिली थी, सोनिया गांधी का काका था वो देवर फूफा मरा था क्या कोई यहाँ है, पूरा देश सौंप दिया और चमके उठ रहे हैं। यूरोप जाती है और आते ही फैसला करती है अब की बार व्यापार भी बाहर के ही आदमी करेंगे, शिक्षा में कोई, अब कच्चे मकान के ऊपर पक्का मकान बना सकते हो, पक्के मकान पर कच्चा कमरा बन सकता है, पक्के मकान के ऊपर कच्चा नहीं बन सकता, कच्चा मकान ढल जाएगा पक्का बनाओगे तो 8वीं तक का बच्चा पढ़ नहीं सकता, वो कभी 10वीं पास नहीं कर पाएगा। और एक किसान मजदूर ध्यान से सुन ले, आज से 8 वर्ष बाद तेरे बेटों के लिए कोई नौकरी भारत में हो तो मेरी गर्दन काट देना, मैं वचन देके जाता हूँ वाड्रा की धरती पर। आप क्योंकि मेरे एक पैर है और एक व्यक्ति के 2 पैर हैं, उस द्वार से हाथ लगा के आना है तो 2 पैर वाला पहले आएगा। ये तेरा बच्चा रामू जो 8वीं तक फाइल नहीं कराया गया था, ये और शहर के 5 सुधारों में जो पढ़ते स्कूल में बच्चे वो पटवारी तहसीलदार कलेक्टर सीएम का एग्जाम देंगे एक साथ तो वो पास होगा। तेरा बच्चा एक पैर का है कभी पास नहीं होगा और ये अन्याय पूरे भारत के साथ किया है। समस्त भारतीय में सरकारी स्कूल बंद कर देना चाहिए और इस आदेश के एवज में पूरे भारत में क्रांति, नहीं तो मैं कहता हूं ये बच्चे आज से 7-8 वर्ष बाद में आज 5 राज्यों पर भारत का राज नहीं है, कश्मीर आसाम 3 नक्सलवादी राज्य और ये नक्सलवाद एक दिन समस्त राष्ट्र को अपनी चपेट में ले लेगा। क्योंकि ये अनपढ़ पढ़े लिखे नौजवान एक दिन बंदूक उठाएंगे, हाहाकार मचेगी पूरे भारत में, कोई बताने वाला नहीं होगा। इससे पहले कि गृह युद्ध भारत में हो, समस्त भारतीयों का उत्तरदायित्व बनता है कि इनका पहले तो कांग्रेसियों का फुफाया करो इस राष्ट्र से और फिर नियम और कानून आपकी अपनी लागू करो।
एक भारतीय जनता पार्टी का वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बना था उस पर एक भी दाग नहीं लगा। इनके पहले प्रधानमंत्री से आज तक कोई प्रधानमंत्री दागी रह के नहीं गया हो तो बताओ। कारगिल घोटाले के अंदर जवाहरलाल नेहरू फंसा, 7 लाख रुपए निकलवाने में इंदिरा गांधी फंसी, बोफोर्स में राजीव गांधी फंसा, यूरिया खाद घोटाले में नरसिंह राव फंसा और अब वाले ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए पूरे विश्व के। कॉमनवेल्थ में 7,000 करोड़ का घोटाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला टेलीफोन का, कोयला घोटाला 1,85,000 करोड़ का, पाताल घोटाला, आसमान घोटाला, जमीन घोटाला। और हद तो तब हो गई जब सोनिया की बेटी जाई गई, क्या नाम है सोनिया की बेटी का, प्रियंका गांधी, नाम देखो जैसे कल्याणी करेगी स्टेट का, किससे शादी करी और वो दामाद राजस्थान का बनाना चाहे गहलोत ने, बीकानेर से जैसलमेर तक की 3 लाख बीघा जमीन खरीदवाई उससे किसानों की 15,000, 10,000, 5,000 रुपए बीघा में। और जब वो पूरी जमीन उसके हाथ में आ गई तो गहलोत इस राज्य के मुख्यमंत्री ने आदेश निकाला कि सौर ऊर्जा से बिजली केवल हमारे दामाद वाड्रा में खरीदी है, इसी पर हब बनेगा, यही उत्पन्न होगी। सदियों से मेरे किसान बीकानेर और जैसलमेर का सर्दी के गर्मी के थपेड़े सहन करता रहा, रेत उड़ उड़ के उसके खाने में गिरता रहा और आज तक कुछ वहां विकास होने की उम्मीद हुई तो गाथा देकर उस किसान से जमीन खरीद के और वाड्रा को जमीन बेच के बड़ी बड़ी कंपनियों को अगले दिन किसी को 60 लाख रुपए बीघा में, 65 लाख रुपए बीघा में, 1-1 करोड़ रुपए बीघा तक उस जमीन को बेच के वाड्रा को रातों रात अरबपति बना दिया। क्यों? क्योंकि ये सोनिया का दलाल है सो गहलोत और सोनिया यूरोप की दलाल है। ये जो फैसले हैं ये राष्ट्रहित के नहीं, राष्ट्र का विनाश करने के फैसले हैं। मैं समस्त भारतीयों से प्रार्थना करता हूँ ये चीजें प्रत्येक दिल दिमाग और दीवारों पर लिख दी जाए। लड़ाई ये नहीं है कि भादरा में 4 जगह तंबू लगा के टिकट दे दो मेरे को, मैं लेता हूँ इस्तीफा और जिनकी चुनाव नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय हूँ, एमएलए बनने से हमें हो जाता है। क्या आप में कोई एमएलए है क्या, रोटी खा रहे हो कि नहीं, मैं खा लूंगा मेरा क्या बिगड़ेगा, एमएलए बन के बिस्कुट खाऊंगा क्या मैं, एक तंबू वहां लगा रहे, एक तंबू वहां लगा रहे, एमएलए बनूंगा, एमएलए बनूंगा। बेटी क्या बापो, तुम कांग्रेस को जिता रहे हो और कर क्या रहे हो, अरे कल दे रहे हो क्या बना रहे हो भादरा वाले, लेते हो निर्दलीय खड़ा है, मैं भी निर्दलीय हूं पर मेरी कहानी को सुने ध्यान से। मेरे पिताजी के दादा को जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने मारा था, मेरे दादाजी को 1943 में जिला मिंट कुमरी पाकिस्तान में चला गया उसमें मारा था। मैंने कांग्रेस के 7 मंत्रियों की, गृहमंत्री, यूडीएस मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, इस मुख्यमंत्री का बड़ा भाई कवर सेन, जोधपुर का मेयर रामेश्वर दादित, 7 मंत्रियों की 2003 में करोड़ों रुपए लेते हुए की वीडियो फिल्म बनाई और समस्त भारत के टेलीविजनों पर दिखाई। गृहमंत्री मर गया था हाथों पर जो गुलाब सिंह सत्ता धमकी दी थी उसने मेरे को, तेरे बच्चों समेत मरवा दूंगा। मैंने कहा दिल्ली में हूँ, एक बार ये फिल्म टीवी पर चला देता हूँ मैं, फिर जयपुर आऊंगा पानी पिलाने वाला भी छोड़ दूं तो मेरी गारंटी है। उसने ये भी धमकी दी थी कि मैंने एक नौकर को मरवा के रेल की पटरियों पर डलवा दिया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मगर तू नौकरी मार सकता, शेरों को नहीं मार सकता, जब रहे छोटे शहादत का क्या कीजिए, फिर हाथों में हमने भी ले लिया है, कत्ल होने से आखिर कब तक डरोगे, जब कातलों के मोहल्ले में ही घर ले लिया है, हम कातलों के मोहल्ले में है तो गर्दन कटवाने की परवाह भी नहीं। जय हिंद, धन्यवाद। आशा करता हूँ एक एक नौजवान जाके 1,000 आदमियों को बदली कर देगा। भारत आपका देश है, कांग्रेस और बीजेपी का देश नहीं है ये। आप तराजू पर रख लो, बीजेपी गंदी है तो मिटा दो नामों निशान, कांग्रेस गंदी है और आपकी तरफ पर खड़ी उतरती है। रणवीर वोट लेने के लिए कांग्रेस को गंदी कह सकता है? राजस्थान के उच्च न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालय को वोट लेनी है क्या? उसने कहा कि सभी की सबसे भ्रष्ट और निकृष्ट सरकार है ये, कांग्रेस। राजस्थान के हाई कोर्ट ने कहा, रणवीर ने नहीं कहा, वसुंधरा जी ने नहीं कहा कि वसुंधरा जी ने वोट लेनी है, रणवीर ने वोट लेनी है, सावरलाल जी ने वोट लेनी है, कांग्रेस को गंदा कह दो। समस्त भारत के न्यायालयों ने कहा। आज जयपुर की हालत ये है कि जज कहता है कि उस रोड पर गंदगी साफ करो, वहां से कचरा उठाओ, ये काम जजों का, सरकार नहीं करती तो फिर हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। बहनों भाइयों, आप गुलाम रहना चाहते हो या आजाद रहना चाहते हो मुझे नहीं पता, 100 बरस की गुलामी और एक पल की आजादी, मैं कहता हूँ एक पल मालिक को जमेगा आपका और भारत भूमि के ऊपर सिर उठा के मालिक के घर में उन हमारे शहीदों को आप जाके उत्तर दे सकोगे कि जिस भूमि को हमारे सुपुर्द करके आए थे, हमें उस बेदाग रखा, बेसहारा रखा, उन्होंने अपने सिरों पर गोलियां खाई थी। मैं आपको गोली चलाने की आज्ञा नहीं देता हूँ, मैं शांति प्रिय और विकास
क्रांति में विश्वास रखता हूं, शस्त्र क्रांति में नहीं। मैं कहता हूं आप एक एक को बदलोगे तो पूरा राष्ट्र बंदी हो जाएगा। एक माता बहने बैठी है, चार को आप बदल सकती हो, एक पिता को, एक पति को, एक पुत्र को और एक भाई को, चार का खेल पान पकड़ के समझा दो उनको और आप निकल जाओ। नौजवानों फोन है, 10 आदमी को फोन करोगे दिन में तो राज्य बदल जाएगा, राज्य बदलेगा, यहाँ का विधायक बनेगा बीजेपी का, यहाँ का विधायक बनेगा तो जयपुर के अंदर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होगी, और जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हो गई तो इस भारत का प्रधानमंत्री लोक पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी होगा और उस भारत की तस्वीर बदली हो जाएगी। मैं वचन लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।